हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RKS ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैं रामानुज पांडे। दोस्तों, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और हम सब उन्हें बहुत ही श्रद्धा सुमन स्नेहपूर्ण बहुत उनसे प्रेरणा हमेशा लेते रहे हैं। दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। उनका जन्म कटक में हुआ था, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, 1897 को। मतलब एक ऐसा आदमी शख्स उस समय जन्मा था जो पूरी दुनिया उस समय पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, लेकिन वो इंसान जो जो बड़ा होता गया, देशभक्ति की ऐसी जुनून थी कि आज जाने के बाद भी हम लोग बहुत मिस करते हैं। उनके आदर्शों पर बहुत सारे युवाओं का प्रेरणा का कारण है। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोध था और माता जी का नाम प्रभावती। दोस्तों, उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। एक बात तो बोली जाती है कि आदमी दूसरों के लिए पूरा रोशन करके चला गया। परेशान था कि हाँ, लोग भारत लोग आज़ाद हों, इसके लिए वो कहाँ से कहाँ गया। जर्मनी, जापान, रसिया, बिना अनजानी जगहों पर जाता रहा। सोचा कि अब देश में कोई काम बनने वाला नहीं, जितने पॉलिटिशियन हैं उनसे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो वो आदमी बाहर से कनेक्टिविटी बना करके एक ऐसे आज़ाद हिंद की खोज करता है जो दुश्मनों के ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़ने तक को मजबूर कर देता है। साथियों, उनके जो बचपन की से चलते हुए बात करेंगे। बचपन में एक समय था कि वो स्कूल में ऐसे ही थे और उन्होंने कहा कि मेरे देश के, वो क्या हुआ, सर्दी का दिन था और पिताजी बेड पर थे उनके, और वो क्या हुए, नीचे लेट गए। लेटने पर क्या होता है, तो पिताजी बोलते हैं कि इतने अच्छे बिस्तर है, बिस्तर पर लेटो। तो वो बोलते हैं कि एकमात्र महज बालक जो बहुत कम आयु का था, उसकी समझ देखो। वो बोलते हैं कि देश के बहुत सारे गरीब, किसान, मजदूर सब अभी क्या है, ऐसे ही जीवन यापन कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा करना है। तो पिताजी ने सांत्वना दिया, ठीक है, आकर यहाँ बैठ जाओ, लेट जाओ अभी, और जब तुम बड़े हो जाना तो यही करना, ठीक है। पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, चाहते जीवन बहुत अच्छे से कट सकता था, लेकिन देशभक्ति की, आज़ादी की ऐसा जुनूनियत थी कि देश के लोग आज़ादी से रह सकें, स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से रह सकें। वो इंसान जिंदगी भर एक रहस्यमय रहा। शुरुआत में तो बहुत प्रभावशाली, लेकिन जो अंत था दोस्तों, वो हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम सभी उसमें शामिल नहीं, उस दुख में नहीं शामिल हुआ, क्योंकि वो समय, वो तिथि बहुत ही रहस्यमय हमेशा के लिए थी। 1992 में उनको मरणोपरांत भारत रत्न गवर्नमेंट दे देती है। लेकिन साथियों, बहुत मिस्टीरियस उनकी डेथ हिस्ट्री रहती है कि क्या 1945 के प्लेन केस क्रैश में हुई, या फिर गुमनामी बाबा की तरह अयोध्या में वो अपना समय गुजारे हैं। यहाँ के जो सबूत हैं, अभी वो हाई कोर्ट में उसका वो चल रहा है। उसने ओपनली उनके जो वहाँ पर सामान मिले थे उसको डिस्क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए अभी हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि हर कोई देख या सुन। म्यूजियम में सारे सामान हैं और हाई सिक्योरिटी के साथ में। ऐसे कुछ वहाँ सबूत मिले हैं जो ये बताए जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी रात लास्ट टाइम अपना अयोध्या में ही व्यतीत किए थे। इतने डायनामिक, मैं जब अपने जीवन के बहुत ही इंस्पायर्ड लोगों के बारे में देखता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा अग्रणी भागों में सुभाष चंद्र बोस जी मिलते हैं। मैं बहुत ही शुरू से ही बचपन में, एक बार मुझे भी याद है, तो मैंने भी प्रैक्टिस किया, देखते मैंने बोला, जूट के बोरे थे, मैं भी वहाँ लेट गया, पिताजी वहाँ थे, उन्होंने कहा कि अरे आजा, हमने कहा हाथ नहीं पढ़ा है। तो एक दूसरे के जीवन से लोग जब सीखते हैं ना, बहुत ही डायनामिक। आज की युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना तो बिल्कुल ही नहीं है। इंडिविजुअल किसी में वो ताकत, वो कोई कम्युनिटी से नहीं थे, हाँ, लेकिन कम्युनिटी क्रिएट किया था। अजीब क्रिएटर थे, बेहतरीन क्रिएटर, जो किसी से भी मिलकर वहाँ पर क्या
अपनी बात कहना समझना सब कुछ करवा सकता था वो इंसान। मैं आपको बहुत श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। साधु एक बात की बात है, जब वो जर्मनी में गए, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत गजब की थी। एक एक वाक्य है, इंटरव्यू के समय इंटरव्यूअर पूछता है सुभाष चंद्र बोस क्या कर सकता है, वे बोलते हैं वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, वो अपनी रिंग्स निकालता है, बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस इसमें निकल सकता है। भाई साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने एक पर्ची में लिखा और डीसी बोस सुभाष चंद्र बोस लेकर उन्हें निकाल दिया। बहुत ही दूसरा वाक्य उस समय का है, जब वो जर्मनी में गए थे हिटलर से मिलने के लिए। तो हिटलर का क्या था, वो डायरेक्टली उस समय बहुत ही पावरफुल था आदमी था उस समय, उस दशक का, मतलब बहुत ही पावरफुल। उससे मिलने गए तो वो हमेशा डायरेक्टली नहीं मिलता था, अपने जो बहुरूपी होते तीन चार को भेजकर सामने वाले की मन की स्थिति जानने का प्रयास करता था कि किस तरह की बात करना चाह रहा। सुभाष चंद्र बोस साहब भी गए थे, लेकिन उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ जान और समझ और पढ़ रखा था किस तरह का है। जब आए, पहला आया, हेलो बोस, आई एम हिटलर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने फिर से कहा हिटलर को बुलाओ। दूसरे को बुलाएगा तो वो भी आया, वो भी बोला हेलो बोस, मैं हिटलर, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो नहीं माने, कहा कि हिटलर को बुलाओ। लास्ट में हिटलर आया और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर बोला कि मैं बोस भारत से। तो हिटलर आश्चर्य रह गया कि आप कैसे पहचान गए, मैं तीन लोग को बोला, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो क्या था, जब ये लोग आते ना तो हाय करके हाथ आगे बढ़ाते थे, और सुभाष चंद्र बोस जी ये समझ गए थे कि ये नहीं हो सकता। वो बहुत एटीट्यूड टाइप का इंसान था, और जब वो आया एक्चुअल में तो इन्होंने, और तब उन्होंने अपनी कुछ यात्रा की कुछ बातें उनके साथ शेयर की कि कैसे क्या मदद हो सकती है, किस तरह वो आज़ाद हिंद फौज की बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सारी बात है, आज के युवाओं में वो चीज़ देखने को मिलता है। आज लोग हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी वायलेंस इस तरह की बातें कर करके केवल टाइम वेस्ट वेस्ट कर रहे हैं। रोडों पर पैसे आए दिन, सोशल मीडिया पैसे, ऐसी चीज़ें देश की, मतलब कहीं भी किसी लड़की को दिल्ली में जैसे घसीटा गया, कहीं पर किसी बुजुर्ग के साथ घसीटा जा रहा है रोडों पर, मतलब कोई वो नहीं है, सम्मान नहीं है। तब ऐसे ही ठीक है, ज़रूरत है क्रांति की, एक अजीब तरह की देशभक्ति की होने की ज़रूरत है। अपने लिए तो जीना बहुत आसान है, केवल अपना पेट पालना और अपने परिवार का, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, ये मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, बच्चे, बहुत आसान है ये सब चीज़ करना। लेकिन हाँ, उस लेबल पर उठ करके आज इसीलिए तो हम उनको याद कर रहे हैं, तो वो एक स्पेशल हीरो थे हमारे। एक बार फिर से बस दोस्तों, इस वीडियो में, छोटी इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे नोटिफिकेशन आता रहेगा। ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करना दोस्तों, इसका मिशन ही है कि आज जो परिस्थिति में, जो इन्वायरमेंट, जो इश्यूज फेस कर रहा है ना, उसके कम डाउन। अभी एक स्टार्टिंग ज़रूर है, लेकिन इसे एक बहुत मुहिम तक ले जाना है। ये तभी संभव होगा जब आप लोग साथ में होंगे। फिर से आप लोग का एक बार प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।